जी स्टूडेंट्स, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्निफिकेंस को डिस्कस करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही अहम है हमारी लाइफ में। पहला पॉइंट है अंडर स्टैटिक कंडीशन, अगर चार्ज जो है वो रेस्ट की हालत में है तो स्पेस में जहाँ भी चार्ज मौजूद होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू होगी इन्वायरमेंट में। और अगर चार्ज मूव करता है नॉन स्टैटिक कंडीशन में, अगर चार्ज मूव करता है तो एक्सलरेट करता है, और एक्सलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी जो कि मूव करेगी विद स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है जो कि ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे मोबाइल फोन के जो सिग्नल्स आ रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से ही आ रहे हैं। ऐसे ही वाईफाई सिग्नल है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए आ रहा है। रेडियो सिग्नल आ रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए आ रहे हैं। ऐसे रडार सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेस पे ही काम कर रहा है। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टोर हाउस है एनर्जी का, और एनर्जी ट्रेवल करती है किस फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी या फिर वायर्स में करंट फ्लो होगा और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी जिसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है चार्ज के फ्लो से ही हो रहा है, तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की ही सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही हमारे बहुत से इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बहुत सारे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही बेस कर रहे होते हैं। जैसे एक्सरे मशीन है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस कर रही है, जैसे सीटी स्कैन है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस कर रही है, ईसीजी है, और इसके अलावा जो जीरोग्राफी है, फोटोकॉपी वाली मशीन जिसको हमने डिस्कस करना है जिसकी वर्किंग को, ऐसी इंजेक्ट प्रिंटर है, ये सब चीज़ें जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही बेस कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नए कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उनकी तरफ मूव करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके जेहन में इसके हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह।